हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल एक्सॉन्स जॉब कंसल्टेंसी वाला। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप जान सकते हैं कि हमारे पास क्या वैकेंसीज है। दोस्तों, आज वैकेंसीज कुछ ऐसी है चाहे कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँ, आपको जो मेरे नॉलेज में है आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको आसानी हो जाएगी अपनी करियर को ग्रोथ करने में। चलिए शुरू। तो दोस्तों, जो भी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, यानी कि कोई उनके पापा सपोर्ट नहीं कर सकते या उनके घर में फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है और उनकी उनकी जो जॉब्स है उसमें वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए एक ऐसा आइडिया है मेरे पास, एक ऐसा तरीका है जिससे उनको अपने आप खुद ग्रोथ करने में उनको थोड़ा हार्ड वर्क होगा लेकिन थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन अगर वो बर्दाश्त करेंगे जो लेबर क्लास में है चाहे हाई प्रोफाइल में जो भी जॉब में, ठीक है, तो उनको जो करना है तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास ज़्यादा फाइनेंस नहीं, आप ज़्यादा सर्विस चार्ज वगैरह पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि जो शट डाउन जॉब्स वैकेंसी जो आती है उसमें जाए, उसमें जाके जैसे 2 से 3 महीने का शट डाउन आता है, 9 से 10 महीने का शट डाउन आता है, ठीक है, आपको टेक्निकल हैंड जानते चाहिए, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर हैं, मैसन हैं या आप हेल्पर हैं, कुछ काम भी नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इसमें आप कहीं से भी जाए चाहे एक्सॉन्स से अप्लाई करें या कोई भी कंसल्टेंसी से अप्लाई करके जाए तो आपको ये चार्जेस ना उतना नहीं लगता है जितना आपको नॉर्मल जो चार्जेस करते हैं, जैसे कि ये नॉर्मल चार्ज है 60, 65, 70, 75, 80, 85 इस तरह का चार्जेस जाता है, ठीक है, तो वैसे चार्ज नहीं रहता है। इसमें 3 महीना या 6 महीना या 9 महीना जो शॉर्ट टर्म वैकेंसी होती है तो उसमें चार्जेस कम लगते हैं सर्विस चार्जेस, तो उसमें क्या होता है कि आप फाइनेंशियल अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। उतना तो एक आदमी जरूरी अगर जाना चाहेगा तो किसी कर्ज भी ले लेगा और जाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो वो पैसे को जो पैसा वो लगाएगा उसको 6 महीने 3 महीने 4 महीने में आराम से 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना तक कमा सकता है, तो कमा लेगा वो पैसा। फिर उसका तो आया तो फिर वो क्या करना, आने के साथ ही उनको क्या करना है कि घर में जाकर बैठना है, ठीक है, फिर अगर कोई शट डाउन आता है या फिर कोई अच्छी 2 साल के आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा आप 9 महीने में 10 महीने में चाहे काम आपको जैसा भी हो, हेल्पर काम हो चाहे क्या भी हो, एक 8 महीने 9 महीने आपको तकलीफ करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको आदत नहीं है रहने की तो। और जो पहली बार जा रहे हो वो भी इस तरह से ट्राई करें, विदेश में गए 2 साल रहने की आदत नहीं है तो शट डाउन में जाकर अपने आपको देखिए कि हम कर सकते हैं कि फेसिंग, तो ये 2 लोगों के लिए आदत जिनको हैबिट नहीं है बाहर में रहने की और उनको जो फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है, तो ये जो मेरी बात है जो अब तक मैं बचाना चाहता यही कि अगर शट डाउन जो जॉब आता है उसमें अप्लाई करें अगर आप फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, यानी कि आपके पास पैसे नहीं हैं, फाइनेंस आप ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, पूरा सर्विसेज पे नहीं कर सकते हैं, विदेश नहीं जा सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो शट डाउन जो जॉब्स आती है उसमें अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद जाए और कुछ महीने 6 महीने 9 महीने कमा के आए, तो कमा करने के बाद फिर वो दूसरी जॉब में कहीं, अब देखिए हर पर भी कहीं भी जाएंगे, अगर अलहमदिल्ला उसी कंपनी आपको फुल टाइम की यानी 2 साल या 3 साल की जॉब मिल गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो फिर दूसरी कंपनी में जाना है तो फिर से आपको कोई सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा, तो आप इस फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएंगे उसमें और उसके बाद आपको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है आपको अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रांग कैसे करना है, दूसरी चीज़ ये है कि आप अभी कम उम्र 19 से 20 साल है, ठीक है, तो आप एक छोटा सा LIC वगैरह, तो मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूँ, किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अपना आइडिया जो है जिस तरह से अपने आप को मैंने स्ट्रांग किया है उस तरह का आइडिया आपको शेयर कर रहा, ठीक है, कोई LIC का पैकेज छोटा मोटा ले लें जिसको आप प्रीमियर भर सकें, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, टर्म इंटरेस्ट जो 5 साल 7 साल इस तरह का होता है उस तरह का ले लें, लेकिन आप जहाँ काम करें इंडिया में लोकल में तो 5 साल 6 साल काम करें, ये उन यंग पीपल के लिए जो कॉलेज में हैं जिनके 18 से 19 साल उम्र है, इस उम्र में लोग समझते हैं कि वक्त तो खेलने कूदने का है, लेकिन इस उम्र से ही आपको अपना प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, ठीक है, हम लोग तो बहुत छोटे उम्र से ही अपने आप को प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अपने हार्ड वर्क पर, तो आप अगर इस तरह से कर लेते हैं यानी कि आप किसी 19 साल के अंदर आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए, लेने के बाद मान लीजिए कि 5 साल का लिया, 5 साल का वो आपको 10,000 या 12,000 या 15,000 इस तरह का देना है,
कि 10,000 12,000 आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करें कहीं भी कुछ करके उसको फ्री में भर सकते हैं। तो लगातार 4 साल 5 साल अपना कॉलेज पीरियड और स्कूल पीरियड में काम करते हुए इसको फ्री में भर दिए तो आपको 3 साल भरना पड़ता है। 3 साल भरना है तो 2 साल वेट करके 5 साल बाद आपको जो भी पैसा उसको डबल इंटरेस्ट वगैरह साथ आ जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप 2 साल 3 साल पीरियड भरे 1,000 रुपये भेजा तो 36,000 रुपये होगा, ठीक है। उसके बाद वो आपको क्या करेगा 36 को 55 के हिसाब से या 60 के हिसाब से देगा वापस, और उसके बाद उसको बेनिफिट भी देगा यानी 70-75 तक आपको मिल गया। यानी कि आप अपने आप कॉलेज ख़त्म करते करते तो 70-75 तक कमा आपको लाइसेंस मिल गया तो ये आपको फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप कहीं कल जान चाहते हैं कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो अपने आप स्ट्रॉन्ग है अपने पैर पर खड़े होंगे तो वो क्या होगा कोई फादर कोई भाई कोई रिश्तेदार की मदद की जरूरत नहीं, आप अपने आप खुद कर सकते हैं। अगर ये चांस मिस हो गया तो ये चांस इस्तेमाल कीजिए कि जो शट डाउन जॉब आ गया 3 महीने 6 महीने 9 महीने का उसमें जाइए, उसमें जाने के बाद अब 3 महीने 4 महीने काम कीजिए, काम करने पैसे जमाइए और अपने घर में भी दीजिए और थोड़ा अपने पास भी रखिए और फिर आप आने के बाद फिर दूसरी कंपनी में फट से अप्लाई कर दीजिए क्योंकि अप्लाई करने 2 महीने 3 महीने का तो वो 3 महीने आप चुपके मत बैठिए घर पर मत रहे बैठिए कुछ भी आपको काम करिए। ये नहीं कि हम विदेश से आ गए हैं तो हम यहाँ पर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है तो काम कीजिए। ये मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं विदेश में काम करता हूँ अभी मैंने ये बिज़नेस शुरू किया लेकिन इससे पहले मैं जब भी घर जाता था तो बैठ के नहीं रहता, 2 महीने 3 महीने छुट्टी होती बैठ के नहीं रहता कुछ ना कुछ काम करता। मेरे घर वाले बोलते हैं छुट्टी में आया आराम कर लो, बोले आराम करने का वक्त नहीं, जब आराम करने का वक्त आएगा तब आराम कर लेंगे अभी काम करने का वक्त है तो काम करते हैं। अब तो उस वक्त हमको पॉकेट मनी के लिए और कुछ के लिए प्रॉब्लम नहीं होता तो इस तरीके से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आप जिस तरह से आपको सेट होता है जिस तरह से आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भाई आज के दौर में कोई किसी की मदद नहीं करता है, ठीक है बाप बेटा मदद नहीं करता, बेटा बाप की मदद नहीं करता, भाई बहन की मदद नहीं करता, ठीक है। लेकिन कुछ अच्छी फैमिली हैं जो अपने आप को फैमिली मेंटेन करके चलते हैं, कोई अच्छा भाई हो जाता है तो अपने आप को सबको लेके चलता है, ठीक है। इस तरह की जो मोटिवेशन आप बता रहा हूँ आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि भाई बहुत से ऐसे मेरे पास कैंडिडेट हैं जो बता रहे मेरे पास फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता, इस तरह से नहीं जा सकता, तो उनके लिए ये है मेरा एक छोटा सा आइडिया। अगर आपको पसंद आ जाए आप इसको अमल में ले लें तो हो सकता है अगर आपको इससे फ़ायदा हो जाए तो कभी ना कभी आप हमको नफीस भाई को याद करिएगा। हाँ कि नफीस भाई क्या एक मोटिवेशन वीडियो देखा मैंने जिससे जब बंदा अपने आप हम उतना बड़ा आदमी नहीं है भाई लेकिन मेरे दिमाग में जो है कि आपको जो भी आसान हो जाए आपका काम हो जाए, ठीक है आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहें तो यही चीज़ है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है वक्त इंसान का वापस नहीं आता है, 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर एक वक्त है जो चला जाए वापस नहीं आता, ठीक है। तो जो अगर पिछले वक्त में छोटा काम किए हैं और आने वक्त में आप बड़ा है तो आपको पिछला वक्त कोई नहीं देखेगा, आप तभी का वक्त ये देखेगा, ठीक है तभी ये बोले कि बंदा पिछले इतना छोटा काम करा देखो इतना बड़ा मेहनती है, ठीक है। तो यही बात है, तो यही बात मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कोई वैकेंसी के बारे में नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बताऊँगा वैकेंसी के बारे में, हमारे पास कुछ जॉब्स हैं जिसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में कि उनको भी वीडियो देख के कुछ आइडिया हो, अगर नहीं तो कुछ नहीं तो बराबर कुछ आइडिया हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हेल्प हो जाएगी। इंसान हो एक होता है कि किसी के सुनने से किसी की वजह से किसी की मदद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसा कर लीजिए अगर आपको जितना सूटेबल लगता है, अगर लगता है कि हाँ हफीज़ भाई की बात सही है करना चाहिए सर तो कमेंट के नीचे बताइए कि हमने जो बताया आपको सही है या गलत है या कैसा है, या और कुछ अगर कुछ नया कुछ जानना चाहते हैं कुछ जानकारी बात जानना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो नई वीडियो से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।